वैसे तो दुनिया में जीव जंतुओं की कई प्रजातियां रहती हैं, पर कुछ को देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से ही एक होता है सांप। अगर आप सांप को कभी अचानक देख लेते हैं तो डर जाते होंगे कि कहीं हमें ये काट ना ले। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व भर में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें से 500 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो हमारे देश में सांपों की 550 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 10 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। और अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो मृत्यु निश्चित है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो स्वागत है आपका सस्पेक्टेबल फैक्ट्स में। तो चलिए बताते हैं आपको उन सांपों के बारे में। इनलैंड टाइपन। क्या आपने कभी ऐसे सांप को देखा है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? अगर नहीं तो मिलिए इनलैंड टाइपन से। ये रंग बदलता रहता है। गर्मियों के दिनों में ये हल्के रंग का हो जाता है और सर्दियों के दिनों में थोड़ा गाढ़े रंग का हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस सांप की लंबाई 5 से 8 फीट होती है और इसका रंग पीला और हरा मिक्स होता है, लेकिन इसके सर का रंग एकदम गहरा होता है। इसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है। ये सांप सुबह के समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं और इन्हें सुबह के समय ही पथरीली चट्टानों पर धूप सेकते हुए पाया जा सकता है। ये आमतौर पर आधा ही डसते हैं और इंसानों के संपर्क में नहीं आते हैं। इनकी वजह से कई जंगली जीव मारे जाते हैं। ये हमला करने से पहले अपने शरीर को तेजी से सिकोड़ लेते हैं, उसके बाद अचानक तीर की तरह आगे डस लेते हैं। इनका जहर मनुष्य के शरीर में तेजी से फैलता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु बहुत जल्दी हो सकती है। इस ज्ञान की बात के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ईस्टर्न टाइगर स्नेक। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बेहद जहरीला सांप है। इसके काटने से महज 30 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ईस्टर्न टाइगर पैरों पर या गर्दन पर काटता है, जिसके काटते ही मौत हो जाती है। ये अपने बचाव के लिए उड़ भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये सांप इंसानी इलाकों के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं। इन सांपों का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। रैटल स्नेक। रैटल स्नेक दुनिया के 33 सबसे जहरीले सांपों की प्रजाति में से एक है। इनकी लंबाई की बात करें तो यह 1.6 फीट से लेकर 8.2 फीट तक लंबा होता है। इनके दांत जहरीले और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये सांप अमेरिका में पाए जाते हैं। इन प्रजाति के सांपों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इनकी एक दुम पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग होता है। यह हिस्सा उसी पदार्थ से बना होता है जिससे इंसान के नाखून बने होते हैं। ये सांप झुंझुने जैसी एक विशेष तरह की आवाज़ निकालते हैं और अपनी दुम का इस्तेमाल ये अपने शिकारियों को दूर रखने के लिए करते हैं। इनमें हीमोटॉक्सिक विनोम पाया जाता है, जिनके काटने से इंसान के शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इनके जहर से शरीर के अंदरूनी टिश्यू तेजी से ख़राब होने लगते हैं, जिससे कुछ देर में आपको लकवा भी मार सकता है और जल्द ही उपचार ना मिलने पर मौत भी हो सकती है। तो इस बात पर वीडियो पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। डेथ एडर। डेथ एडर सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक सांप है। डेथ एडर सांप 40 से 100 मिलीग्राम जहर शिकारी के शरीर में छोड़ता है। इसके जहर का असर धीरे धीरे होता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। शरीर के अंदरूनी हिस्से भी जहर के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से 6 घंटे से कम समय में मौत हो जाती है और यह 13 सेकेंड में दोबारा हमला करने की क्षमता रखता है। डेथ एडर सांप में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ब्लू क्रैट। ब्लू क्रैट दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है और इसमें भी सबसे जहरीला ब्लू करेट माना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला ये सांप अन्य सांपों का भी शिकार कर लेता है। ब्लू क्रैट सांप का जहर कोबरा के जहर से भी कई गुना ज़्यादा जहरीला होता है और इसके काटने से कुछ ही समय में लकवा मार सकता है। सॉस्केल्ड वाइपर। सॉस्केल्ड वाइपर नाम का यह सांप लंबाई में छोटा होता है। ये सांप गुस्सैल, चिड़चिड़ा और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति का होता है।
जो इसके जहर को और भी जहरीला बना देता है। इसकी वजह से भारत में लगभग 5,000 मौतें होती हैं। फिनिपिनी कोबरा। फिनिपिनी कोबरा फिलीपींस के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यह किसी को भी 3 मीटर दूर से काटने की क्षमता रखता है। इसका जहर शिकारी के सांस लेने के अंगों को विशेष रूप से निशाना बनाता है। इसके जहर के असर से सर का चकराना, सर में तेज दर्द होना, उल्टी होना और सांस लेने में परेशानी के लक्षण पाए जाते हैं। इलाज ना मिलने पर इनके काटने से सिर्फ 30 मिनट के अंदर शिकारी की मृत्यु हो जाती है। टाइगर स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला टाइगर स्नेक बहुत ही विषैला सांप है। इसको छेड़ने पर यह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटकर जानलेवा हमला कर देता है। इनके जहर में बहुत ही ज्यादा न्यूरोटॉक्सिन्स होता है और टाइगर स्नेक के काटने के बाद पैरों और गले में दर्द, सुन्नपन के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है और लकवा जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगला नंबर है ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे लंबा, तेज और जहरीला सांप माना जाता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है और अफ्रीका के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 14 फीट और रेंगने की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके नाम का मतलब यह नहीं कि यह काले रंग का होता है, बल्कि यह भी परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल सकता है। ब्लैक मांबा बहुत तेजी से डसता है और लगातार डसता रहता है। इसके काटने से मुंह से झाग आना, शरीर में तेजी से कंपन होना, दोहरी चीजें दिखाई देना आदि लक्षण होते हैं। समुद्री सांप। साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप समुद्र में रहता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1,000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते समय कभी कभार इसका शिकार हो जाते हैं। तो ये थे दुनिया के बेहद जहरीले सांप। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सांप दिखाई दे तो बाहुबली मत बनिए, बल्कि प्यार से अपने दूसरे रास्ते से निकल जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा सांप सबसे खतरनाक लगा और किस प्रजाति के सांपों से आपकी मुलाकात हुई है। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।